ये सामने खड़े हैं डंपर, देखो ढेर सारे हैं, और इनमें से अब किसी एक डंपर पे हम लोग जाएंगे और जो भी डिटेल होगा वो डिटेल एक एक करके अंकल बताएंगे। भैया ये देख लो, करीब करीब 8.5-9 फीट का है टायर, 9.5-9 फीट का टायर है। ये टायर है ये 27-49, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 27-49 का टायर है और ट्यूबलेस टायर, नहीं हवा भराएगा हाँ लेकिन ट्यूब नहीं रहे। अच्छा ट्यूब नहीं रहे। ये डिवाइस है, सामने 6-8 मीटर को कोई चीज आएगा तो ये अपना सिग्नल देगा कि सामने कुछ है। एक बैटरी का कनेक्शन ऑन ऑफ करने के लिए यहीं से। आ जाए ना, हाँ तो अभी हम लोग डंपर के केबिन में आ गए हैं और ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एसी विंड है, ये देखो क्या रहे हो कैमरा पीछे वाला पूरा एरिया दिखाई देने लगा इसमें। यहाँ पे सारी चीज़ें मॉनिटर होंगी, वहाँ पे स्पीडोमीटर दिया हुआ है, अभी स्टार्ट हो चुका है। ये टायर प्रेशर का है, एक टायर का अलग अलग टायर प्रेशर बताता है यदि ओके है। ये असेंबली यदि ऑन है हाँ और सही है तो गाड़ी से 2 मीटर दाहिने या बाएं कोई भी चीज होगा तो ये अपना संकेत बताएगा कि कुछ है हाँ कुछ है, या पत्थर हो, बोट हो, पशु हो, आदमी हो, सारे चीज बताएगा। और ये डिवाइस जो लगा है पीछे देखने के लिए है कि हमारी गाड़ी क्या है क्या नहीं, इसमें टायर तक दिखता है। ये पूरा कंप्यूटर है, इसमें कई एक बटन है और ये हमको खुद पता नहीं है कि क्या क्या ये बताता। इसके जानकार लोग जो हैं अपने आते हैं उस कंप्यूटर को ले करके, क्या बोलते हैं उसको, लैपटॉप में कहीं पीछे बटन है कनेक्ट करते हैं और सारा रिपोर्ट इससे ले लेते हैं। मतलब इसमें ये है कि जितने भी ये चल रहा है, कहाँ चला, कितना चला, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो कैसी प्रॉब्लम आई, यहाँ से सब कुछ ये कंप्यूटर अपने आप बताता है। यहाँ से जैसे कि एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है, वो समझ लीजिए डंपर का ये एक तरह का ब्लैक बॉक्स है। हाँ। क्या क्या करना है सारे चीज आएगा, बटन है 25 ठो इसमें दबाने के लिए, और सारे लोग जो जानकार हैं, मेंटेनेंस वाले, सर्विस इंजीनियर, कंपनी वाले, कटर पिलर का अपने आके चेक कर लेते हैं। ओके। ऑपरेटर से कहाँ मिस होता है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, सारा चीज़ रिकॉर्ड करता है। और ये फिर आ गया एक ऑपरेटर के लिए मीटर, जिसमें यह है कि टेम्परेचर मीटर है वाटर का और इंजन का, स्पीड मीटर है, फ्यूल मीटर है, यदि हवा कम है टंकी में बिना एयर प्रेशर का ब्रेक भी नहीं लगेगा, इसलिए जहाँ वो कम होगा तो अपना संकेत देता है, हॉर्न देता है। बहुत से डिवाइस लगे हैं इसमें जो कि कंट्रोल करके सारे चीज़ गड़बड़ जो भी गड़बड़ होगा तुरंत पता चल जाएगा। और ये इसका गियर है, ये इसका गियर है, ऑटोमेटिक गियर है। अच्छा, मतलब बस इसको रिवर्स करना, ये आर का मतलब रिवर्स, एन मतलब न्यूट्रल और ड्राइव, उसके बाद 1-2 1-2। यदि 2 में डालेंगे तो 1-2 जाएगा, 3 में डालेंगे तो 1-3 से लेकर 7 तक जाएगा। अच्छा, ये पार्किंग ब्रेक, पार्किंग मतलब अभी पार्किंग ब्रेक में इसको हम दबाते हैं, न्यूट्रल कर दिए, बाइक करना है बाइक में डाल दिए। देखिए आ रही है।
आगे करने के लिए 2 हॉर्न और पीछे जाने के लिए 3 हॉर्न देना अनिवार्य है, भले कोई देता है या नहीं देता। मतलब ये रूल में है और आपको, मतलब अगर आप नए आ रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए। करना चाहिए। और देखिए अभी हम लोग कोल फील्ड की तरफ निकल चुके हैं और अभी थोड़ा सा इसमें नॉइस, जो क्या बोलते हैं, बाहर जो हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अभी इस हम लोग चैम्बर में बैठे हैं तो उतनी, मतलब उतना जो नॉइज़ है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, अभी नॉइज़ काफ़ी कम है। यहाँ तक कि इसमें सिगरेट भी पीने वालों के लिए व्यवस्था किया गया है। ये गर्म होकर के लाल हो जाएगा, रेडियो और सिगरेट निकाल के इसको पकड़ा करके पीजिए। जैसे कार वगैरह में व्यवस्था होती है। हाँ, ये रहा, ये लाल हो जाएगा और इसमें बीड़ी या सिगरेट पकड़ा करके पीजिए। जैसे कार में होता है, पुरानी गाड़ियों में अक्सर होता था और नई गाड़ियों में भी किसी किसी में दिया है कि जो भी स्मोक करते हैं तो वो मतलब इसमें कर सकते हैं, मतलब आप चलाते समय स्मोकिंग कर सकते हैं, जो नहीं करने वाले करते हैं। और इसमें 5 कम से कम 4 ब्रेक होता है। इसमें 2 असेंबली है, रिटार्टर इस लीवर में, ये रिटार्टर है, इसके बाद ये ब्रेक, ये ब्रेक लग गया। लेकिन ये नहीं है कि इस ब्रेक को आप लगा दिए, इंजन बंद कर दिए, छोड़ दिए। यदि इंजन बंद हुआ इसका काम खत्म, तो ब्रेक एयर टंकी से रिलीज हो सकता है धीरे धीरे, कहीं से लीक हो करके हल्का रहने के बाद ये गाड़ी जिधर ढाल पाएगी चल देगी। और ये नहीं सोच लीजिएगा कि ट्रक और कार में गियर लगा दिए, यदि आगे ढाल है और बैक गियर हम डाल दिए तो गाड़ी कहीं जाएगी नहीं। चाहे आप गियर में डालिए, वो गाड़ी जिधर ढाल पाएगी उधर चली जाएगी। यस, तो यहाँ पे जब भी आप क्या बोलते हैं डंपर को खड़ा करें तो जो उसका पार्किंग वाला ये पार्किंग ब्रेक में ही खड़ा करें, बिना पार्किंग ब्रेक के ना खड़ा करें। और तो ये एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर है, ये सर्विस ब्रेक है, ये ब्रेक है, ये फ्रंट ब्रेक, ये फ्रंट ब्रेक। अच्छा, ये पीछे वाले पहिए को वो ब्रेक चारों करेगा। हाँ, और ये बस आगे वाले करेगा, केवल आगे। ओके, ठीक है। और यहाँ एक ब्रेक है, ये भी केवल, ये रिटार्टर, इस ब्रेक को लगाने के बाद गाड़ी स्लिप नहीं करती। ओके, मतलब बरसात के मौसम संभल जाएगी, स्लिप भी करेगी तो संभल जाएगी। अभी तो आपको तो प्लेन दिख रहा है, लेकिन आगे चलिए तो इसके बाद फिर क्या दिखता है, कैसे कैसे परिस्थिति में हम लोग चलाते हैं। पानी पड़ता है तो सांप की तरह गाड़ी नाचती है। एसी पूरा चलने लगी है तो एसी की वजह से पूरा ये जो चैम्बर एकदम ठंडा हो गया है, तो मतलब गर्मी नहीं लगने वाली। अगर एसी सही है तो गर्मी तो आपको इसमें नहीं लगेगी, एकदम आप बिना मतलब किसी दिक्कत के जा सकते हैं। अच्छा, ठंडी में इसमें से गर्म हवा भी निकलता है? निकलता है, लेकिन यहाँ जलने के लोग जला देंगे, इसके वजह से उस कनेक्शन को हटा दिया। अच्छा, ठंडी में तो वैसे ठीक रहता है, इसमें चैम्बर में अगर आप आ जाएंगे बाहरी हवा नहीं आएगी तो वैसे ही गर्म हो जाएगा। ऐसे ही गर्म रहता है, कोई ज़रूरत भी नहीं। हाँ, तो ज़्यादा जहाँ -डिग्री में तापमान जाता है वहाँ के लिए ज़रूरी है। हाँ, यहाँ के लिए ये देखो कोल माइंस यहाँ से पूरी 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 दिख रही है। ये खदान छोटा है, लेकिन जो बड़ी बड़ी खदाने हैं उसमें और इसमें बहुत अंतर है। ये अभी तक विश्व का सबसे गहरा खदान है, जो कि इसका कोयला 2 भाग में बटा हुआ है, करीब करीब 39 से लेकर 154 मीटर कोयला का फेस है, और दूसरा भी इसी तरह। अभी तो हम लोग पहले के इंड में लगभग जा रहे हैं, 2 से 2.5 साल के अंदर ये पूरा कोयला ऊपर फेस निकल जाएगा। यदि केंद्र सरकार व्यवस्था बनाती है कि दूसरा फेस भी निकाला जाएगा, तो दूर से पूरी सफाई करते हुए आना पड़ेगा, तब नीचे जा सकता है। उस दशा में यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी,
करीब करीब हम लोग अभी आधा किलोमीटर नीचे, 500 मीटर नीचे लगभग हम लोग जाते हैं। यदि दूसरा निकाला जाएगा तो करीब करीब अभी मान के चलिए 100 मीटर का पाटन है, करीब 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 एक ताड़ की ऊंचाई के बराबर बीच में पाटन है, फिर दूसरा फेज मिलेगा और वो कोयला निकलेगा। गवर्नमेंट को पसाई पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्वालिटी बहुत बेकार है, क्या होगा वो भविष्य की बात है। Thank you.